मनावर शासकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं मिलने व महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने को लेकर छात्र छात्राओं ने मनावर SDM के नाम नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसार को ज्ञापन सौंपा है। मनावर विधानसभा के गरीब परिवार के स्कूली बच्चे मनावर की शासकीय महाविद्यालय में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, जो उनके गृह गांव के नजदीक पड़ता है, मगर मनावर के शासकीय महाविद्यालय में सीटें कम होने के कारण लगभग 300 छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं मनावर SDM कार्यालय पहुंचे व SDM के नाम नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसार को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। मनावर महाविद्यालय में सीटें बढ़ाई जाएं ताकि हमें हमारे गृह गांव से नजदीक महाविद्यालय में एडमिशन मिले, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। नहीं मिलने पर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बड़े शहर में अपना प्रवेश ले पाएंगे, जिससे हमारा भविष्य अधर में रह जाएगा। नाम बता दें और किस पद पे? सुखदेव नरगिस, कॉलेज विधायक प्रतिनिधि। आज किस सम्मान को लेकर बच्चों एवं छात्राओं ने ज्ञापन दिया? हमारे महाविद्यालय कॉलेज मनावर में छात्रों का प्रवेश नहीं होने के कारण हमने माननीय SDM साहब को सीटें बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। ये बच्चे किस क्षेत्र के हैं? ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, कि अन्य कॉलेजों में बड़े शहरों में नहीं एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए हमें महाविद्यालय पास के महाविद्यालय में एडमिशन इनको दिया जाए। नाम बता दें। रोहित कनेल। किस सम्मान को लेकर आपने ज्ञापन दिया? आज हमने ज्ञापन कॉलेज शासकीय महाविद्यालय में जो सीटें कम होने के कारण कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इस संबंध में हमने आज SDM महोदय को अवगत कराया कि हमारे कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाए ताकि छात्र शिक्षा से वंचित ना हो। ये सारे छात्र कहाँ, किस स्तर के? ये सारे छात्र ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनको दूर से, जैसे कि कोई बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, गरीबी रेखा से आते हैं, इसलिए इनको शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्ञापन दिया। नाम बता दो, कौन से गांव? मेरा नाम है लंका भाई, मैं महापुरा में रहती हूँ और टौलाई खुर्द हमारी पंचायत लगती है। तो भाई आए दिन हमारे गांव में शराब ज़्यादा उतरने लग गई थी, और शराब ज़्यादा उतरने के बावजूद हमारे घर परिवार में सदस्य छोटे से बड़े तक शराब पीने में ज़्यादा माहिर हो गए, और परिवार हमारा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, और घर में खाने के लिए ना अन्न रहता था, न कहीं की सुविधा नहीं रहती थी, और बेचारी बाइयाँ दिन भर लोग के घर काम कर करके लाती और आदमी लोग उसे ख़त्म कर देते, बेचारी बाजार करने के लिए पैसे नहीं रहते। कि उस आधार से हमने एक समूह बनाई कि शराब हमको बंद करवाना है, और शराब बंद करवाने के बाद हमने सभी भाइयों को एकत्रित किया और शराब ना उतारने की मांग की है। तो हम कभी भी शराब नहीं उतारने देंगे, ऐसी मांग की। ये शराब ठेकेदार द्वारा भी गांव में दारू बेची जा रही है? हाँ, शराब ठेकेदार द्वारा भी उतारी जा रही है, टौलाई में है, बड़ी टौलाई में ठेका। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि वो ठेका भी ना रहे, और कच्ची भी ना मिले, और ठेका भी ना रहे, शराब नाम मात्र बंद। लाल सिंह बर्मन, JF प्रभारी मनावर। आज किस सम्मान को लेकर? आज विगत 15 दिनों से बहस चल रही थी ग्राम पटवार, सामजीपुरा और दगड़पुरा में शराब बंदी को लेकर, और महापुरा जो धर्मपुरी विधानसभा में आता है, इन्होंने क्या दो तीन बार मुझे फ़ोन भी लगाया कि सर हमारे यहाँ बहुत दारू बिकती है और हम लोग थाने पे भी जाते हैं तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो सभी महिलाओं ने 15 अगस्त की ग्राम सभा में पंचायत का ठहराव प्रस्ताव बनवाया, उसमें डिसीजन लिया कि पूरे गांव में, पूरी पंचायत में शराबबंदी की जाए, उसका हमने SDM साहब को आज ज्ञापन दिया है। उसमें दर्शाया है कि दोनों पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव भी दिए हैं कि पूरी तरह शराब बंद किया जाए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पूरे गाँव की जो महिलाएँ आई है, इन महिलाओं को जो कमा के लाते हैं, तो इनके परिवार के पति है, भाई है, बहुत दारू पीते हैं, और शराब माफियाओं को इतना आतंक है कि उनको मना करने के बाद भी वो जाते हैं और बोले पुलिस वाले या कोई भी अधिकारी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो JF ने आज पे मुद्दा उठाया है, यदि जो भी शराब माफिया इस प्रकार की हरकत करता है और जिस गाँव में शराब बंदी है उस गाँव में यदि शराब बेचता है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, शासन प्रशासन को हम सूचना करेंगे, यदि शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो JF के माध्यम से धरना आंदोलन करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।